आज लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें आसाम की मदद करनी है तो हमें आसाम का रास्ता, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीनबाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। अब शाहीनबाग के लोगों के साथ, आप JNU में भी लोगों के साथ, JNU के लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं।